नाकाम है। कल से गायब छात्र का अभी तक कोई सुराग नहीं है। कल 11वीं के छात्र का अपहरण हो गया था। बच्चों के अपहरण का सिलसिला हमीरपुर में लगातार जारी है। पीड़ित परिजन दौड़ दौड़ कर थाने आ रहे हैं, पुलिस तफ्तीश बताकर वापस भेज दे रही है। पीड़ित परिजनों को पुलिस परेशान कर रही है। सुमेरपुर इलाके से ये बच्चा गायब हुआ था, 11वीं में पढ़ता है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। असद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। असद, पुलिस क्यों मदद नहीं कर पा रही? चूंकि 11वीं में पढ़ता था, ये तो बहुत कुछ जानता होगा लड़का। कहीं चला गया है या अपहरण हुआ है, क्या कंफर्म खबर है? जी राहुल, आपसे बता दूं, ये 11वीं का छात्र था, ये स्कूल गया था, स्कूल से लौट कर नहीं आ पाया। और राहुल, सबसे बड़ी बात बता दूं, ये थाना सुमेरपुर इलाका है, जहाँ पर लगभग देखा जाए तो लगभग 6 महीने के अंदर आधा दर्जन से अधिक बच्चे गायब हैं, जिनका अभी तक पुलिस किसी को मामले अभी तक पता नहीं लगा पाई है। कुछ दिनों पहले एक छात्रा भी गायब थी, उसका लापता है। मतलब हमें पुलिस टोटल नाकाम हो चुकी है अब बच्चों के अपहरण को रोकने के लिए। खासकर देखा जाए परिजन परेशान है और केवल पुलिस हवा में अपना कानूनी ऑपरेट कर रही है। जमीनी हकीकत में देखा जाए तो बच्चों के लिए या उनको पता लगाने के लिए, उनके बच्चों के परिजनों को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। यानी असद का ये कहना है कि इस तरह के कई मामले सामने आए, कई बच्चे गायब हुए हैं, लेकिन अब तक हमीरपुर पुलिस उन लोगों का पता नहीं लगा पाई है। ये निश्चित तौर पर लापरवाही है।